हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। और हम लोग इस वीडियो में कस्टम टैग विद एट्रीब्यूट बनाएंगे। हम लोग एक टैग बनाएंगे जिसमें हम लोग एट्रीब्यूट की वैल्यू भी पास करेंगे और फिर उस वैल्यू के हिसाब से हम डेटा को प्रोसेस करेंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे सर्वलेट एंड जेएसपी की सीरीज़ को एक्सेस नहीं किया है तो उसको भी जाके एक्सेस कर लीजिएगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर दी हैं, इंट्रोडक्शन से लेकर के सर्वलेट का, बहुत सारे सर्वलेट के कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ में बहुत सारे जेएसपी के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हमने अपलोड कर दिए है, जिसमें हम लोगों ने एरर हैंडलिंग भी सीख लिया था, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल भी सीख लिया था और अब हम लोग टैग्स के बारे में सीख रहे हैं और इसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक टैग बनाना है आज और उस टैग का मैं नाम रखूँगा और मैं एक्चुअली इसी लाइब्रेरी बनाऊँगा तो उस टैग को यूज़ करूँगा टी प्रीफिक्स से ही। और हम लोग उस टैग का नाम रखेंगे प्रिंट टेबल, प्रिंट टेबल। और एक्चुअली ये टैग क्या होगा, ये टैग टेबल को प्रिंट करेगा, टेबल का मतलब टेबल प्रिंट करेगा। बट किसकी टेबल प्रिंट करेगा दिक्कत है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से एक नंबर पास करेंगे और जो भी नंबर हम लोग इसके एट्रीब्यूट में पास कर देंगे वो इस नंबर की टेबल को प्रिंट कर देगा। दैट मीन्स अगर हमने इस नंबर में 23 पास किया तो ये टैग क्या करेगा, 23 की टेबल प्रिंट कर देगा। अगर ये नंबर में हम लोगों ने यहाँ पे 46 पास किया तो 46 की टेबल प्रिंट कर देगा। और अगर इस नंबर में हम लोगों ने पास किया यहाँ पे 5 तो ये 5 की टेबल प्रिंट करेगा। दैट मीन्स ये टैग जो होगा हमारा विद एट्रीब्यूट होगा। आया फ्रेंड समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस टैग का हम लोग बना लेते हैं टैग हैंडलर क्लास। तो हम लोग अपने टैग्स वाले पैकेज में, हम लोगों ने कल ये टैग वाला पैकेज बनाया था, इस पैकेज पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और सिंपली इस क्लास जावा क्लास पे क्लिक कर देंगे तो ये क्लास का नाम पूछेगा। आप सिंपली एक अच्छा सा नाम दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट टेबल, प्रिंट टेबल टैग और एंटर कर दूंगा। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पाओगे यहाँ पे आपकी क्लास रेडी हो जाएगी और ये क्लास पैकेज टैग्स के अंदर आ जाएगी। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे और कोडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब आपको कोडिंग क्या करनी है, इस टैग, इस वाली क्लास के पास टैग्स की प्रॉपर्टीज़ लानी है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे एक्सटेंड्स और एक्सटेंड्स में हम लोग टैग सपोर्ट क्लास को क्या करेंगे, सिंपली एक्सटेंड कर लेंगे। जैसे ही आप टैग सपोर्ट क्लास को एक्सटेंड कर लोगे इसकी सारी प्रॉपर्टीज इसके पास भी आ जाएंगी। दैट मीन्स ये एक कस्टम टैग हैंडलर क्लास बन चुका है जो आप क्रिएट कर रहे हो। अब इस कस्टम टैग हैंडलर के अंदर आप क्या लिखना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे इसका एक मेथड ओवरराइड करेंगे जिसका नाम है डू स्टार्ट टैग। तो ओवरराइड करने के लिए सिंपली आप नेटबीन्स में हो तो ऑल्ट इंसर्ट क्लिक कर दो और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स ओवरराइड मेथड्स का। तो आप इस वाले ओवरराइड मेथड्स पे आप क्लिक कर दो सिंपली और आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे फ्रेंड्स। तो आप क्या करो सिंपली यहाँ पे डू स्टार्ट टैग पे क्लिक कर दो क्योंकि हमको डू स्टार्ट टैग वाला मेथड चाहिए और आप सिंपली जनरेट कर दो। तो नेटबीन्स आपके लिए क्या करेगा, आपको आपका जो मेथड होगा वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा और आपको बॉडी अगर स्किप करनी है टैग की, क्योंकि हमें सिर्फ एट्रीब्यूट से इस वाली वीडियो में मतलब है, तो हम बॉडी को यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्किप बॉडी सिंपली। और हमें यहाँ पे कोड क्या लिखना है, तो हमें यहाँ पे एक ऐसा कोड लिखना है जो प्रिंट करेगा टेबल, किसकी टेबल, नंबर, जो नंबर आप यहाँ पे पास कर रहे होगे इसकी टेबल। तो इस नंबर को होल्ड करने के लिए हम अपनी टैग हैंडलर क्लास में यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बना देंगे पब्लिक और वह एट्रीब्यूट होगा नंबर टाइप का। तो सिंपली एक इंस्टेंस वेरिएबल हमने बना दिया और इस नंबर वाले वेरिएबल में डेटा को स्टोर करने के लिए एक हमें बनाना होगा सेटर। तो सेटर आप सिंपली खुद से बना सकते हो, तो सेटर हम बना देते हैं या आप ऑल्ट इंसर्ट क्लिक कर दो और यहाँ पे एक सेटर का ऑप्शन होगा, सेटर पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप अपने प्रॉपर्टी को चेक कर दीजिए और फिर जनरेट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे सिंपली देखिए जो नंबर आएगा वो इस वाले नंबर में सेट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग का देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर दी है और सेटर वाला तरीका डिफाइन कर दिया। दैट मीन्स जावा क्या करेगा, इस सेटर मेथड को यूज़ करके इसमें वैल्यू को डाल देगा और ये वही वैल्यू होगी जो यहाँ से बंदा पास कर रहा है। अब हम लोग को अपना लॉजिक लिखना चाहिए, तो लॉजिक हम लिखेंगे इस वाले नंबर को यूज़ करके और हम अज्यूम करेंगे इस नंबर में कोई नंबर रखा हुआ, जैसे 2 की टेबल अगर प्रिंट कर रहे हैं तो हमें, हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 से लेके हम लोग 10 तक लूप चलाएंगे और n इंटू आई करते रहेंगे। तो सिंपली हम लिखेंगे फॉर और इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू
10 एंड सिंपली आई प्लस प्लस, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे प्रिंट करना है क्या आई इंटू नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे आउट डॉट प्रिंट एल एन, और हम लोग को आई इंटू नंबर प्रिंट करना है। बट आउट का रेफरेंस तो हम लोगों ने फेच नहीं किया, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं आउट का रेफरेंस फेच कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा मैं इंडेंट कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं जेएसपी राइटर का, क्योंकि आउट बेसिकली जेएसपी राइटर होता है। और निकलेगा कहाँ से, ये पेज कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से, डॉट गेट आउट। सिंपल, ये क्या करेगा, आपको आउट वाला रेफरेंस दे देगा जेएसपी राइटर का, आप आउट वाले वेरिएबल में रख दीजिए और फिर आउट वाला वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करने के लिए यूज़ कर लीजिए। जब आप ये सारा काम करोगे तो चांसेस हैं एक्सेप्शन आने के, तो उस एक्सेप्शन को आप हैंडल कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंड सिंपली कैच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैच यूज़ करेंगे, और कैच में यूज़ करेंगे एक्सेप्शन क्लास, और अगर एक्सेप्शन आ गई तो हम कंसोल पे उसका ट्रेस प्रिंट कर देंगे सिंपली। एक थोड़ा सा चीज़ों को फॉर्मेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक br लगा दूंगा, सिंपली क्या लगा दूंगा, एक br लगा दूंगा, और br मीन्स लाइन को सिंपली मैं ब्रेक कर दूंगा, और प्रिंट आप डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते, प्रिंट यूज़ करने के लिए आउट डॉट प्रिंट यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़, हर एक नंबर को प्रिंट करने के बाद भी मैं एक br लगाऊंगा, दैट मीन्स 2 1 2 और 2 2 4 जो आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, तो सिंपली आप कॉन्कैटिनेट कर दीजिए एक br, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, हमारा लॉजिक तो टैग हैंडलर क्लास का कंप्लीट है, दैट मींस अगर ये टैग यूज़ करे कोई तो हमारा ये वाला लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो प्रिंट कर देगा टेबल। सपोज ए नंबर में 2 आ गया तो ये क्या करेगा, 2 1 2 2 1 2, फिर 2 2 4, 2 3 6, ऐसे करके प्रिंटर करता जाए। अब हम लोग को एक्चुअली क्या करना है, इस टैग को अटैच करना है इस वाले हैंडलर क्लास से। तो ये अटैचमेंट होगा आपको आपकी TLD फाइल में, टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर में। तो सिंपली कल हम लोगों ने कल क्या किया था, TLD फाइल को क्रिएट किया था। कैसे क्रिएट किया था, देखिए यहाँ पे आप जाएंगे वेब INF के अंदर, तो आपको एक फोल्डर मिलेगा TLDs, और इसके अंदर एक फाइल मिलेगी mylib.tld फाइल, इसको ओपन कर लेंगे। जैसे इसको ओपन करेंगे तो सिंपली देखेंगे यहाँ पे TLD क्लास है, ये क्लास सिंपली ये TLD टैग है। देखिए यहाँ पे एक टैग लगा हुआ है, टैग नाम का ही टैग लगा हुआ है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है, बट आप ध्यान दोगे, और उसके अंदर नेम है और टैग क्लास है, दैट मीन्स इस टैग को मैंने एसोसिएट किया है इस वाले हैंडल क्लास से। इसी तरह हम लोग अभी अपना दूसरा टैग बनाएंगे, और फिर से हम लोग क्या करेंगे, टैग नाम का ही हम लोग एक टैग यूज़ करेंगे टैग को बनाने के लिए, और फिर हम टैग का नाम दे देंगे नेम वाले टैग से, और टैग का नाम हमारा प्रिंट टेबल टैग, ये वाला नाम मैं यूज़ कर रहा हूँ सिंपली, इस वाले ये वाला टैग का नाम है। नेक्स्ट इज़, हम लोग अपनी फाइल में फिर से वापस आएंगे, और यहाँ पे हम लोग को यूज़ करना है टैग क्लास, कि उस टैग का भाई क्लास क्या है, तो टैग क्लास विद पैकेज लिखना है, तो हम टैग्स डॉट और फिर क्लास का नाम प्रिंट टेबल टैग, तो हम लिख देंगे प्रिंट टेबल, टेबल का टी कैपिटल है, तो आप स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखेंगे यूज़ करेंगे, अदरवाइज एरर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। उसके बाद क्योंकि एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा है, तो आप अपने टैग के अंदर ही आप यहाँ पे एक टैग और लगाएंगे जिसका नाम होगा एट्रीब्यूट, और आप एट्रीब्यूट भी बताओगे कि कौन किस नाम का एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा है। तो देखिए नंबर नाम का एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा है, तो आप आ जाओगे अपने TLD फाइल में, और यहाँ पे फिर से लिखोगे एट्रीब्यूट का जो नाम है वो है नंबर, और रिक्वायर्ड आपको ट्रू कर देना है, दैट मीन्स वो मस्ट है एट्रीब्यूट, तभी तो आप टेबल प्रिंट करोगे। तो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को रिक्वायर्ड टैग की हेल्प से हम यहाँ पे ट्रू पास कर देंगे, सिंपल। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो आपका टैग हैंडलर क्लास बन गया, और टैग देखिए यहाँ पे आपने टैग डिक्लेयर कर दिया प्रिंट टेबल, उसकी क्लास डिक्लेयर कर दी, और उसके हिसाब से आपने एट्रीब्यूट भी डिक्लेयर कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने टैग वाली इसमें, और एक बार फाइल को सेव करते हैं। देखिए जैसे ही आप फाइल को सेव करोगे तो सिंपली ये क्या करेगा, जो एरर आ रही होगी वो चली जाएगी। और अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये टी क्या है, टी बेसिकली प्रीफिक्स है जो हम लोगों ने यहाँ डिक्लेयर किया था इस वाली लाइब्रेरी के अंदर की चीज़ को यूज़ करने के लिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं और इस पेज को रन करते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे और रन पे क्लिक कर देंगे, और इस पेज का नाम है टैग। तो हम लोग का जो पेज ओपन होगा उसमें मैं टाइप करूँगा यहाँ टैग डॉट जेएसपी, और देखिए यहाँ पे 23 की टेबल क्या हो गई, प्रिंट हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग क्या करते हैं, सपोज़ इस टैग के ऊपर मैं एक HR लगा देता हूँ,
और हम यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, लेट अस सपोज यहाँ पे 100 करते हैं और पेज में आके क्या करते हैं रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखोगे ये 100 की टेबल हो गई। दैट मीन्स अब ये टैग डायनेमिक हो गया है। अगर हम इसको 20 की टेबल 20 वैल्यू दे देंगे एट्रीब्यूट नंबर में तो ये क्या करेगा 20 की टेबल प्रिंट कर देगा। अगर हम इसको 9 दे देंगे तो ये 9 की टेबल प्रिंट करेगा। और क्योंकि ये टैग रियूजेबल है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक और टैग यूज़ कर सकते हो जिसमें आप 90 की वैल्यू दे दो, ये क्या करेगा 90 प्रिंट कर देगा। इसी तरह आप बहुत सारा काम कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एट्रीब्यूट और यहाँ पे दे सकते हो इस टैग को, और वो एट्रीब्यूट क्या कर सकता है, वो टैग वहाँ पे यूज़ कर सकता है जहाँ पे काम कर रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे आप एक एट्रीब्यूट यूज़ कर लो कलर, कलर में यहाँ पे लिख दो रेड। अब हमें क्या करना है, एक को रेड करना है और एक को हम लोग को सिंपली ब्लू करना है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ से इस एट्रीब्यूट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कलर भी भेज रहे हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, आ जाएंगे यहाँ पे और एक वेरिएबल और बना देंगे पब्लिक पब्लिक स्ट्रिंग कलर, और एक सेटर मेथड और बना देंगे। तो हम ऑल्ट इंसर्ट कर देंगे और सेटर पे जाएंगे और कलर पे चेक कर लेंगे और इसको जनरेट कर लेंगे सिंपली। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे और फिर कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो कलर का यूज़ कैसे करेंगे भैया, यहाँ पे देखते हैं हम लोग टेबल प्रिंट करने से पहले और टेबल प्रिंट करने के बाद एक लगा देंगे डिफ, और डिफ लगाएंगे आउट डॉट प्रिंट एलएन, और हम लोग देखिए सिंपली इसके अंदर आएंगे और यूज़ कर लेंगे डिफ, और यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टाइल, और फिर इस डिफ को बंद कर देंगे हम लोग नीचे। और बंद करने का मतलब सिंपली कैसे बंद करेंगे, देखिए हम लोग लगाएंगे स्लैश डिफ, दैट मीन्स जो टेबल प्रिंट हो रही होगी वो इस डिफ के अंदर प्रिंट हो रहेगी, और यहाँ का जो हम लोग सिंपली कलर देंगे कलर कोलन। अब हमें लानी है डायनेमिक वैल्यू, डायनेमिक वैल्यू इन द सेंस इस चीज़ की वैल्यू लानी है, इस वाले वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर लानी है इस जगह पर। तो सिंपली देखिए आप क्या करिए, दो डबल कोट्स लगाइए। तो मैं यहाँ पे एक लगाया और एक ही डबल कोट्स और लगाना आपको, देखिए दो डबल कोट लग गया, बीच में आके दो प्लस लगाइए और आप सिंपली कलर वाला वेरिएबल लिख दीजिए सिंपली। मतलब जो कलर ब्लू होगा तो ये डिफ का जो टेक्स्ट होगा वो ब्लू हो जाएगा, ये रेड होगा तो सिंपली रेड हो जाएगा। आप सिंपली आप TLD फाइल में आ जाइए और एक एट्रीब्यूट और डिक्लेयर कर दीजिए उसी टैग वाले टैग के अंदर। तो सिंपली एक एट्रीब्यूट और डिक्लेयर कर दीजिए जिसका नाम रख दीजिए आप कलर, और सिंपली इसके अंदर का जो रिक्वायर्ड वाली फील्ड है उसको क्या कर दीजिए आप ट्रू कर दीजिए। दैट मीन्स कलर्ड आपको चाहिए ही चाहिए। अब आप टैग को रिफ्रेश कर दीजिए, एक बार पेज को सेव कर दीजिए जिससे कि एरर्स क्या हो जाए गायब हो जाए। तो एक बार सारी फाइल को आप क्या कर दीजिए सेव कर दीजिए और एक बार पेज को रन करिए। जैसे ही आप पेज को रन करेंगे तो देखिए सिंपली इसका जो कलर हो गया रेड हो गया और इसका कलर जो हो गया वो ब्लू हो गया। इसी तरह आप और भी कलर्स को यूज़ कर सकते हो। लेट सपोज हम एक और टेबल प्रिंट करना चाह रहे हैं जिसका कलर हम लोग करना चाह रहे हैं पिंक, और ये वैल्यू होगी हमारी 30 की। तो सिंपली देख रहे हैं ये पिंक पिंक, और हम आके रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे पिंक हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कितने भी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं और सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं उसको फेच कर सकते हैं, और फेच करने के बाद उसको अपने टैग के जो भी जावा का कोड होगा उसमें या सिंपली आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत यूज़फुल तरीका है चीज़ों को करने का, और होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कैसे करेंगे। बट जावा जो आप टैग यूज़ करना चाहते हो और टैग और आपके बैकएंड लॉजिक को कनेक्ट करते हो TLD टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर फाइल से विद द हेल्प ऑफ टैग, ठीक है। और बस आपको टैग यूज़ करने के लिए टैगलिब की हेल्प से इसको डिक्लेयर करना पड़ता है, उसकी URI और फिर उसका प्रीफिक्स। तो होपफुली आप कुछ आपको चीज़ें समझ में आएंगी कैसे आपको टैग क्रिएट करना है, और एक बार टैग क्रिएट कर दोगे फिर आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। आप एट्रीब्यूट की हेल्प से उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, और वैल्यू चेंज करने के हिसाब से बैकएंड में आप क्या कर सकते हो उसका काम भी चेंज कर सकते हो, आप उसका काम वेरी कर सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लग रहा है तो आप क्या करिए कमेंट करिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे अच्छे वीडियोस को आपके सामने ला पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स।